सोलन में पिछले कल देर शाम को गणपति विसर्जन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सोलन के लकड़ बाजार में गणेश चतुर्थी से भगवान गणेश की पूजा अर्चना चल रही थी, फिर उसके बाद उनका गिरी गंगा में विसर्जन किया गया। कोरोना संक्रमण के खतरे का असर इस विसर्जन पर भी देखने को मिला। पिछले वर्षों की तुलना में बेहद कम लोगों ने इस धार्मिक कार्य में भाग लिया, लेकिन उसके बावजूद भी गणेश भक्तों के उत्साह में कोई भी कमी देखने को नहीं मिली। बेहद हर्षोल्लास के साथ गाते बजाते हुए भगवान गणेश को गिरी गंगा में प्रवाहित किया गया। गणेश भक्तों ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उनके द्वारा गणेश उत्सव पिछले 6 वर्षों से धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें उनकी संस्था ने गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया और उसके बाद में उन्हें बड़ी श्रद्धा के साथ गिरी गंगा में प्रवाहित किया। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण न फैले, इसके लिए उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का खूब ध्यान रखा गया। उन्होंने बताया कि इस बार विसर्जन के मौके पर ज्यादा भक्त शामिल नहीं हो पाए, लेकिन इससे उनके उत्साह पर कोई असर नहीं पड़ा है। वे चाहते हैं कि कोरोना रूपी महामारी जल्द से जल्द खत्म हो और विघ्नहर्ता गणेश सभी को दीर्घायु दे और संकट के बादल जल्द हट जाए। पिछले 5-6 सालों से गणपति उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता रहा है और इस साल कोरोना महामारी के कारण गणपति उत्सव सूक्ष्म रूप से मनाया गया। लक्कड़ बाजार के हमारे युवा साथियों ने जो है इस बार कोरोना महामारी को ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए गणेश उत्सव को, 8 दिन के गणेश उत्सव को पूरे सूक्ष्म रूप में मनाया और धूमधाम से मनाया। लक्कड़ बाजार स्थित दुर्गा मंदिर में सुबह शाम श्री गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना की गई और लोगों को प्रसाद वितरित किया गया और 8 दिन चला ये उत्सव। आज श्री गणपति महाराज जी का यहाँ गिरिपुल गिरी गंगा में हमने विसर्जन करके इसके साथ ही संपन्न हुआ, धूमधाम से संपन्न हुआ। मैं लक्कड़ बाजार के सभी अपने युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शहरवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों के उज्जवल भविष्य और मंगल के लिए कामना करता हूं और गणपति महाराज से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश और दुनिया को जल्दी से जल्दी कोरोना महामारी से मुक्ति मिले और सभी फूले फले। बोलो गणपति महाराज की जय। गणपति महाराज की जय। गणपति बापा मौर्य। हरे साल की भांति इस साल हमने गणपति भगवान जी का अभिष्टम विसर्जन करके आ रहे हैं और जैसे इस बार कोरोना का इसमें हमने बहुत सूक्ष्म इसको भंडारे का जो अपने गणपति की पूजा वगैरह बड़े ढंग से करी है। नहीं तो हमारे जो लक्कड़ बाजार में मेला लगा होता था इस बार हमने हर एक चीज़ का बड़े ध्यान में रख के किया है। गणेश जी की पूजा करी है, सवेरे शाम की हमने आरती करी है और अब आज हम विसर्जन करने आए हैं गणेश जी को। अब गणेश जी का विसर्जन करके हम जा रहे हैं, 5-6 साल से हम लगातार करते आ रहे हैं। इस बार थोड़ी कोरोना के चक्कर में हमारा थोड़ा प्रोग्राम थोड़ा हल्का हल्का प्रोग्राम रहा, सूक्ष्म रूप रहा हमारा, नहीं तो बड़ा बढ़ चढ़ के होता है पूरे बाजार में, हम रौनक पूरी पाते हैं। इस बार महारानी की कृपा हुई है, गणेश भगवान की कृपा हुई है और बहुत सूक्ष्म और अच्छी तरह से गणेश जी ने लाज बचा ली हमारी सबकी और हमारे सोलन। हम तो कहते चाहते हैं कि ये जो कोरोना का चक्कर हुआ है ये सारे खत्म हो जाए, किसी को दिक्कत ना आए, सब सुख शांति, सब फले फूले अच्छी तरह गणेश जी की कृपा से। हम गणपति उत्सव मनाते हैं लक्कड़ बाजार में, सभी भाइयों का प्रेम मिलता है। 5-6 साल से हमारे यहाँ गणपति उत्सव हो रहा है, बहुत बढ़िया गणपति उत्सव हुआ है इस साल भी और हमारी संस्था ने सोशल डिस्टेंसिंग को कामयाब करते हुए और फंक्शन हमारा बहुत बढ़िया हुआ है। लक्कड़ बाजार में गणपति उत्सव 8 दिन की सुबह शाम पूजा चली, जिसको आज हम गणपति महाराज जी को यहाँ विसर्जन करने आए हैं और अभी हम विसर्जन करके ही ऊपर पहुँचे हैं और गणपति उत्सव बहुत बढ़िया रहा है। सभी को हम यही चाहेंगे कि कोरोना वायरस से भी बचें और भगवान सबको फले फूले तरक्की दे। गणपति महाराज की जय।